ना होता When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को celebrate करो ना। मुझे मेरे colleagues कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ, भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरल सिंधु है। मेरा नाम प्रणव मंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताब में इतने शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी, सोशल स्टडीज पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीजें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे पुराने जमाने में, उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुद्धों की पूजा करने वाला, तो जब वो घर आया और अपने अबू से पूछा गया अबू हम काफिर हैं, ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों बच्चों बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर, इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नजर में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया, मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हसब आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, मतलब अगर वो चाहते हैं मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ, जिस कंट्री में मैं रही हूँ मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी ईद मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है। मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया, हमारे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई, अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल से बाहर लिख के लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे, वो अपने जिस्म को एक या चार चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज्यादा बापर्दा और ज्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मजहब थोड़ी होता है, किसी मजहब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर आपकी तहजीब आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है। बात मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था, औरत को फर्व होकर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये, हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं तो हमारी फैमिली
फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ, इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी, जो खाना मेरे लिए आता था उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वही चीजें आती थी, कभी फर्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है, बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने उनके हाथ नहीं कांपे, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत दान साथी किए। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है, तो मैं क्या करूं, वो जो मैं देखूं वो जो मैं पढ़ूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हम आगी रवादारी और काफी ऐसी चीजें सिखाए, मैं राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, कोश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत।